आप जो भी YouTube हो, Facebook हो, Instagram हो, किसी भी सोशल मीडिया से अगर अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ उसको बैन कर दिया है। यूट्यूबर है जो भी Facebook चलाते हैं, जो भी उससे अर्निंग करते हैं, वो अर्निंग नहीं कर सकते। क्यों? आज के वीडियो में बात करने वाले हैं शिफ्ट कोड। शिफ्ट कोड क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या है? दोस्तों, अगर आप YouTube पर वर्क करते हो या फिर आप एडसेंस से पैसे लेते हो या फिर दोस्तों आप ऑनलाइन अर्निंग करते हो, ऑनलाइन अर्निंग का सोर्स मात्र एक ही है, शिफ्ट कोड। अब भाई शिफ्ट कोड जो नहीं जानते वो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि शिफ्ट कोड आखिर होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और दोस्तों अभी जो यूक्रेन और रसिया में जो जंग छिड़ी है, तो दोस्तों वहाँ पर ये शिफ्ट कोड की सर्विस बंद कर दी है। वहाँ पर जितने भी यूट्यूब चैनल है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है और आप नहीं जानते तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है सवाज खान, आप देख रहे हैं जी टेक्निकल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अगर दोस्तों आप जो भी YouTube हो, Facebook हो, Instagram हो, किसी भी सोशल मीडिया से अगर अर्निंग कर रहे हैं, तो दोस्तों वो अर्निंग आती है आउट ऑफ कंट्री से। दोस्तों आउट ऑफ कंट्री से अगर आप कोई भी अर्निंग करते हो सोशल मीडिया के थ्रू, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है शिफ्ट कोड की। अब भाई ये होता क्या है? दोस्तों इसके लिए आपको समझना होगा, आपकी जो भी बैंक है उसमें आपने एक चीज़ जरूर देखी होगी, IFSC कोड। तो IFSC कोड क्या होता है? इस तरीके से हम अपने इंडिया में, जैसे कि MP का कोई व्यक्ति है, वो अगर UP में किसी को पैसे भेजेगा या फिर हम आसपास में कहीं आपको कोई भी बैंक से आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो, तो आपको लगता है IFSC कोड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों यही चीज़ आप किसी आउट ऑफ कंट्री में जाओगे, वहाँ से पैसे रिसीव करोगे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी शिफ्ट कोड की। ये शिफ्ट कोड होता है IFSC कोड की तरह, जो एक्सेप्ट कराता है आपकी जो भी पेमेंट को वो आउट ऑफ कंट्री से। जी हाँ दोस्तों, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। शिफ्ट कोड आपको कब मिलेगा? दोस्तों अगर आप YouTube पर वर्क करते हो तो आपको शिफ्ट कोड ज़रूर चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो भी बैंक है उसमें अगर पैसे रिसीव करोगे तो सबसे पहले शिफ्ट कोड लगेगा। भाई ये इसलिए लगता है क्योंकि जो भी आप आउट ऑफ कंट्री से पैसे रिसीव कर रहे हो, तो उसके लिए शिफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों जो भी बैंक है, सभी के बैंक के पास शिफ्ट कोड की सर्विस होती है। तो ये आपको कब जरूरत पड़ेगी? अगर आप एक नए क्रिएटर, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो शायद आप नहीं जानते होंगे, आपका जो भी चैनल है उस पर जो भी आप पेमेंट रिसीव करोगे तब आपको ये डालना होगा। और ये कैसे पता कर सकते हैं? तो दोस्तों जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि इसको किस तरीके से आप पता कर सकते हैं अपनी बैंक का शिफ्ट कोड। तो जो भी ऑनलाइन अर्निंग करता है, तो दोस्तों यहाँ पर यूक्रेन और रसिया में जो भी अभी हंगामा चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उसके बीच अमेरिका ने यहाँ पर साफ साफ उसको बैन कर दिया है, यानी कि वो अभी अवेलेबल नहीं है। वहाँ जो भी यूट्यूबर है, जो भी फेसबुक चलाते हैं, जो भी उससे अर्निंग करते हैं, वो अर्निंग नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों आपको वही लगेगा आपकी पेमेंट आने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी अर्निंग कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू जो भी अर्निंग कर रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितने भी अर्निंग कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री से, तो उनके लिए सबसे पहले लगता है शिफ्ट कोड। अगर यूट्यूब पर भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो सबसे पहले शिफ्ट कोड आप जब फिल करोगे, तभी आपके जो बैंक अकाउंट में है उसमें पैसे ट्रांसफर होंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे शिफ्ट कोड होता क्या है और इसका वर्क क्या है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। दिमाग में कोई सवाल या फिर सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों एंड स्क्रीन में काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इन वीडियो को देखना ना भूलें।